हेलो एवरीबॉडी। देखिए आज हम करेंगे लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे क्वेश्चन जो हमारे एनडीए में आए हुए हैं। ठीक है, अगर आप सारे क्वेश्चंस कर लेते हो प्रीवियस इयर्स के तो आपको काफी हद तक आइडियाज मिल जाता है। कैसे, देखिए पहला क्वेश्चन है, इफ पी एंड क्यू इस सेट में बिलोंग करते हैं, पी और क्यू है तो इनमें से कोई एक है, वो कहते हैं देन हाउ मेनी इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म विल हैव रियल रूट्स। अब पी और क्यू इनमें से कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि होने चाहिए रियल रूट्स। अब कई बार ऐसे आपने पढ़ा है टेंथ में, ठीक है, वहां पर रियल रूट्स में तो आता है डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट हो तो जीरो रियल और इक्वल हो तो ये आता है, यानी मेरा रियल रूट्स के लिए डी होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्यू स्क्वायर माइनस फोर पी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्यू स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू फोर पी। जो गिवन है उसका यूज तो होना ही होना है, रियल रूट्स है तो पहले लगा उसी कंडीशन रियल रूट्स की डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये आ गया। अब क्यू स्क्वायर बड़ा या बराबर होगा फोर पी से, अब छाट लीजिए इसमें से क्या बनेगा, फोर फोर है, ये मेरा पी है, ये मेरा क्यू है, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन इज ग्रेटर इक्वल टू भी है वन फोर, फोर का स्क्वायर बड़ा है फोर से टू फोर, सिक्सटीन ग्रेटर देन है एट से थ्री फोर, सिक्सटीन ग्रेटर देन है ट्वेल्व से, और क्या क्या बन सकते हैं आपके, टू थ्री नाइन, ये मेरा पी है नाइन ग्रेटर देन है एट से, वन थ्री नाइन बड़ा है फोर से, टू वन फोर फोर के बराबर है, और कोई ऐसा है जो बनता हो जिसका स्क्वायर ज्यादा आ रहा हो, सिर्फ ये आपके साथ ही बनते हैं तो सात इक्वेशन होगी। ये तो मैं आपको आराम सॉल्व कर रहा हूँ, उस वक्त आपको कैलकुलेशन बहुत फटाफट कर दोगे, फटाफट देखना होगा कि उसके ग्रेटर देन फोर पी नहीं, वो चूज कीजिए पी एंड क्यू जो रिलेशन सेटिस्फाई करते हो, साथ ही बनते हैं, साथ आ गया। उसके बाद अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अब देखिए यहाँ पर रियल एंड डिस्टिंक्ट है मतलब डी ग्रेटर देन जीरो, बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो, बी स्क्वेयर मतलब ग्रेटर देन जीरो, रियल एंड डिस्टिंक्ट नहीं है भाई, तो क्वेश्चन चेक कर दूं, विल हैव रियल रूट्स। रियल रूट्स है आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू एट, ये आपका आंसर हो गया। इतने डिफिकल्ट आपके पास क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। अल्फा एंड बीटा
आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन व्हाट इज जे इज इक्वल टू 0 to 3 अल्फा की जे प्लस बीटा की जे इक्वल टेंथ लेवल का क्वेश्चन है। अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, सम ऑफ रूट्स -1 प्रोडक्ट 1 जे बराबर 0 से 3 तक जे बराबर 1 रखूंगा अल्फा की 0 बीटा की 0 1 रखूंगा टू रखूंगा और 3 रखूंगा। टेंथ क्लास में ये सवाल करके आए हैं आप लोग। ये तो क्या हो गया, ये क्या है -1, ये कैसे बनेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा और ये अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब इसकी जगह मैं रख रहा हूं ये वाला जो मेरा आया था, तो क्या बन जाएगा सीधा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -3 अल्फा बीटा, 2 1 1 2 1 -3 2 -1 -1 -2 3 अल्फा बीटा। देखो भी कोई गलती तो नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक है। 2 -1 -1 का स्क्वायर -2 और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -3 अल्फा बीटा। तो भाई आंसर मैच नहीं कर रहा, दिखाना एक बार। ये अल्फा प्लस बीटा -1 है बेटा +2, देखिए 1 -1 +2 टू आंसर। तो मैं तो यहां तो आपको आराम समझा रहा हूं, तब बात नहीं तो फटाफट सीधा आपको देखना, सीधा आपको इनकी वैल्यूज लिखनी है सीधे के सीधे, ठीक है। ये हो गया, नेक्स्ट देखिए। What is the value of इसकी वैल्यू बतानी है। ऐसे सवाल तो बहुत बार करते आए हो, ये देखिए आप इसको क्या करो, x मान लो, अब ये मेरा पूरा x है तो मैं एक टर्म हटा दूंगा, ये भी क्या रहेगा मेरा पूरा x ही रहेगा, 2 + 1/x क्या जाएगा x² - 2x - 1 = 0, एक्स क्या आ गया -b + -b² - 4ac / 2a, 2 + √8/2, 2 + √2/2 कितना आ गया 1 + √2, एक वैल्यू क्या आएगी 1 + √2, एक 1 - √2, √2 + 1। तो ये तो आप पहले भी करते आए हैं, डिफरेंशिएशन में आपको आता है इनफाइनाइट सीरीज, वहां पर आपने ऐसे ही किया था, बस वहां पर डिफरेंशिएट कर दिया, यहां पर सिंपलीफाई कर दिया, यही फर्क है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ एक्स लेस देन 4, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एक्स लेस देन माइनस 4, वाई लेस देन इक्वल टू 0। एक्स ग्रेटर देन माइनस 4, वाई लेस देन 0, एक्स लेस देन 4, वाई ग्रेटर देन 0, एक्स लेस देन माइनस 4, वाई इक्वल टू 0, एक्स ग्रेटर देन माइनस 4, वाई इक्वल टू 0। एक लेस देन 4 ग्रेटर देन 0, लेस देन माइनस 4 लेस देन 0। आपको निकालना है सॉल्यूशन जो इन दोनों में कॉमन हो। चार से छोटा माइनस चार छोटा, कॉमन क्या है माइनस चार से छोटा। अब वाई ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, यानी क्या आ गया वाई 0 होगा। तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया, इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए। हाउ मेनी रियल रूट्स does the equation have? Zero, one, two, four। जहां पर भी मोड आता है आपको चेंज करना पड़ेगा। दो केस बनेंगे। केस फर्स्ट, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो ये मेरा क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। फैक्टर क्या बनेंगे x प्लस 2, x प्लस 1 बराबर 0, x माइनस 2 माइनस 1। लेकिन मेरा x क्या है 0 से बड़ा है तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। केस 2, व्हेन x लेस देन 0 होगा तो माइनस का बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। फैक्टर क्या बनेंगे x माइनस 1, x माइनस 2 बराबर 0। x बराबर 1, x बराबर 2, लेकिन मेरा x के लेस देन 0 है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, जीरो सॉल्यूशन। आधे बच्चे कराए होंगे चार। अगर लीनियर इक्वेशन ढंग से पढ़ी होती तो ये केस भी देखना जरूरी। जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, नेगेटिव वैल्यू है तो सॉल्यूशन है ही नहीं इस केस में। जब x लेस देन 0 है, पॉजिटिव है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, जीरो सॉल्यूशन होगा। लगभग बचे 4। तो थोड़ी तो कॉमन सेंस दिखानी पड़ेगी आपको। और देखिए इफ ग्रेटर देन 7 वेयर एक्स ग्रेटर देन 0। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? फर्स्ट, एक्स बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी, एक्स बिलोंग्स टू 1 बाय 7 से 7, एक्स बिलोंग्स टू 0 से 1 बाय 7 यूनियन 7 से इन्फिनिटी एंड डी एक्स बिलोंग्स टू 1 अपॉन 7 से इन्फिनिटी। आपके पास है
x log 7x is greater than 7। दोनों तरफ log ले लो, लेकिन log भी कैसे लेना है, बेस 7 लेना है, log 7। सबको पता है log बेस a a 1 होता है और log m पावर n n log m होता है। थर्ड थिंग, अगर मान लो बेस e होता है तो x क्या होगा, ये जो बेस की पावर में ये जाता है, log मान लो यहाँ 7 हो और यहाँ 1 हो तो x कितना आ जाएगा, 7 की पावर 1 यानी x बराबर 7 आएगा। चार फॉर्मूलेज होते हैं, अब देखो log m की पावर n तो ये तो पीछे आएगा, log x लेना है आपको, तो ये आ गया log 7x पीछे, log x x और यहाँ पर log x 7, ये क्या बन गया आपका 1 बन गया, log 7x greater than log x 7। एक होता है आपका बेस चेंज फॉर्मूला, log a b 1 over log b a, log 7x greater than 1 over log 7x इधर आएगा, पढ़ा हो लीनियर इनइक्वेशंस में, मान लो थोड़े के लिए x स्क्वायर है, x greater than 1 यानी x minus 1 greater than 0, x minus 1 x plus 1 greater than 0, क्या है सॉल्यूशन, x less than minus 1 और x greater than 1, ये पढ़ के आए हो तो ये होता है ये स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होगा, log 7x less than minus 1 और log 7x greater than 1 यानी log 7। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला x less than 7 पर minus 1 और x greater than 7 power 1 यानी x belongs to minus infinity से 1 by 7 union 7 से infinity, बट मेरा क्या है x 0 से बड़ा है, x belongs to 0 से 1 by 7 union 7 से infinity, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने होते हैं, तो ये थे क्वेश्चंस, ठीक है। एक क्वेश्चन बच गया, जरा पेज उड़ गया तो मैं पेज लेके आता हूँ, एक क्वेश्चन और बच रहा है, तो इस तरीके से करना था। एक क्वेश्चन और बच रहा है आपका, कुछ नहीं है, सिंपल सा है, मोड एक्स थोड़े के लिए मान लो मोड एक्स ग्रेटर देन एक्स, ये कंडीशन है आपके पास, यहाँ पर मोड है, दो केस बनेंगे, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तो एक्स ग्रेटर देन एक्स पॉसिबल नहीं है, जब एक्स लेस देन जीरो होगा
माइनस एक्स ग्रेटर देन एक्स, ये उधर जाएगा, 2x लेस देन जीरो। सेम केस यहां पर लगाना है, इसका ट्वाइस बनेगा, ट्वाइस ऑफ लेस देन जीरो, फैक्टर क्या बनेंगे, x माइनस एक, x माइनस लेस देन जीरो, वन लेस देन x इज लेस देन टू। कुछ नहीं है, सिर्फ कॉमन सेंस वाली बात है कि आप कितना सोच सकते हो किसी चीज के बारे में। और जब से बाकी हम नेक्स्ट करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।